ये क्या है बेटा, ये सब क्या हो रहा है यहाँ? किस चीज की तैयारी हो रही है? किसी को बताइएगा नहीं अदालत साहिबा, क्योंकि क्योंकि ये एक राज है। अच्छा, क्या वाकई? हाँ। आई, क्या तुम अखरोट वाला केक बना रही हो? ये एक राज की बात है। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि अखरोट वाला केक बन रहा है, ठीक है? अगर तुम यही चाहते हो तो देखो, मैं तुमसे तुम्हारा राज हर किसी नहीं पूछूंगी बेटा। अगर तुम कल भी हमारे लिए ऐसा ही केक बना दो तो हम इस राज को हमेशा के लिए राज रखेंगे। ठीक है, प्रॉमिस। तब तो ये बहुत अच्छा होगा। शुक्रिया तुम्हारा। तुम्हें मालूम है ना ये काम कितना डेंजरस होता जा रहा है? तुम्हारे चचा किसी भी वक्त आकर सब कुछ देख सकते हैं। इसीलिए हम दोनों में से किसी को दरवाजे पर पहरा देना होगा, किसी ऐसे बहादुर को जो तुम्हारे चचा को रोक सके दरवाजे पर। खाला, मैं हूँ ना बहादुर। लो, और नहीं तो क्या, तुम इतना मुश्किल काम कर सकोगे मेरी जान? चलो फिर, जाओ जल्दी से। जी अमान सर, आपको कुछ चाहिए था क्या? यूसुफ और उसकी खाला कहाँ हैं? दरअसल वो किचन में है, अगर आपको कुछ चाहिए तो मैं ला कर दे देती हूँ। नहीं, तुम अपना काम करो। हाँ बोलो। यमान, हमें फौरी तौर पर माल्टा ऑनलाइन मीटिंग करनी होगी। बंदरगाह पर आखिरी डिलीवरी की शिपमेंट का मसला है, तुम्हें फौरन वहां बात करनी होगी। ठीक है, मैं अभी उनसे बात करता हूँ। यूसुफ डार्लिंग, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ निगरानी कर रहा हूँ, अगर अंकल आए तो उन्हें अंदर नहीं जाने दूंगा। अच्छा, वाकई? क्या मैं अंदर जा सकती हूँ? हाँ जा सकती हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप भी राज रखें, प्रॉमिस करें। ओके, प्रॉमिस। अरे सहर, क्या हो रहा है, ये कैसी तैयारी? यूसुफ के चाचा की बर्थडे है आज, इसीलिए हम उसकी पसंद का केक बना रहे हैं। अपने चचा को सरप्राइज देने के लिए दरवाजे पर पहरा दे रहा है यूसुफ। अच्छा, अखरोट वाला केक। जिया अंकल ने बताया था, अंकल को ये केक बहुत पसंद है। अरे वाकई, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम लोगों ने बहुत अच्छा सोचा है। क्या मैं भी तुम्हारी मदद करूं? बहुत शुक्रिया, लेकिन इसकी जरूरत नहीं, वैसे भी बनने ही वाला है। ओके, जैसे तुम्हारी मर्जी। वैसे तुम दोनों की प्लानिंग बहुत अच्छी है, यमान को ये सरप्राइज अच्छा लगेगा। अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो मैं यही हूं। चलो शाबाश, देखो जरा।